आप बहन भाइयों को सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरा देवर है तो ये गांव में रहता है, तो ये ना बहुत परेशान था। इसकी मिसिस की डेथ हो गई है तो 7-8 माह हो गए, तो ये बहुत परेशानी में था। इसकी जॉब भी छूट गई थी तो बहुत परेशान था। हमारे पास आया इधर तो मुझे इसने बताया, मामी मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों से भी परेशान हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, तू परेशान ना हो। मैंने कहा मेरे साथ ना तू चल प्रे पे चल दो। कहता ठीक है मम्मी। 2 दिन आया, फिर तीसरे दिन आया ना तो फिर भाई के साथ इसने बात की, भाई ऐसे ऐसे मेरा मसला है। भाई ने कहा कुछ नहीं होता कि मेरी जॉब भी छूट गई है। भाई ने कहा तू जाएगा ना सुबह तुझे जॉब हाई मिल जाएगी। तो ये गया वहाँ पे तो साहब ने इससे कहा कि तू जॉब पे वापस आ जा। और खुदावन का शुक्र है कि अब ये बहुत खुदावन ने इसे ठीक किया ना, अपने बच्चों में खुश है। मेरी बेटी ने है तो वो ना उसके पाँव पे पता नहीं कुछ हुआ था, वही को भी पता है। तो हम इधर ना आए तो उसने ना डॉक्टर के पास उसको लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया 24,000 के ना उसके टेस्ट होंगे। तो हमने ना एकदम जब सुन बताया तो एकदम परेशान हुई, 24,000 एकदम। तो उसके पापा कहते कुछ नहीं होता, चल करवा। मैंने कहा नहीं नहीं तू मेरे साथ ना प्रे पे चल भाई, उससे ना प्रे करवाएगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है मामा। 2 दिन ले गया तो शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने शफा मुफ्त ही दे दी। भाई बहुत भी गवाही देना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जरूर ब्याह करें। थैंक यू। पहले मैं आप चाहता चलूँ, भाई ने बताया मुझे कल ही सुबह, तो कल मैं बाद में नहीं आ सका, भाई को कल मिस किया इसलिए स्पेशल। कहते भाई शाम को जब आप सब ने दुआ की तो सुबह ही ड्यूटी पे, मुझे 4 माह से वो ड्यूटी पे नहीं रख रहे थे, शायद पक्की जॉब है ना, तो पक्की जॉब से आउट होना ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है। तो खुदा ने 4 माह के बाद दरवाजा खोला यहाँ पे दुआ की। इवन के ये जब सुबह ड्यूटी पे जा रहे थे मैंने इनको देखा, तो खुदा उनका फजल है। आज भाई को देख के आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कोई फ्लू श्लू कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जब क्लीन यहाँ पे कार्पेट हो रहा था तो भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो जिन्होंने ये कार्पेट डाला तभी वो जाने लगे, तो भाई ने कहा हम इनके लिए दुआ करते हैं। तो जब दुआ शुरू की उनके लिए तो भाई की तबीयत तब से खुदा उनका फजल सेट हो गई। मेरी गवाही भी यही है कि इससे पहले मेरा इतना लंबा, इतना ज्यादा 24 साल के अंदर जब से प्रेस्टीज कर रहा हूँ इतना ज्यादा देर तक गला खराब नहीं हुआ। तो मैंने भाई को कहा था मेडिसिन नहीं मैंने लेनी, मेडिसिन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा गला खराब है। तकरीबन 10-15 दिन गला खराब रहा, मैंने मेडिसिन ली और खुदावंद का जलाल है, खुदावंद के लहू से गला सेट है। हालेलुया। हम 1 माह से ना हाइपर स्टार टेस्ट हो जाते रहे, अगली कोई तो मैं और सुजैन तकरीबन 3-4 दफा पैदल ही चले जाते थे, पैदल ही आ जाते थे। तो कूपन मिले तो कूपन हम लगाते थे, चले खुदा को सुन ही ले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं और सुजैन एक दफा नदो भी पैदल गया, पैदल वापस आए नहीं, तो सयून को एक दिन ले गए, चलो सयून दुआ करते जाते हैं, बातें करते जाते हैं। लेकिन मेरा और सुजैन का कूपन जाया हो गया, सयून ने लगाया तो जूसर ब्लेंडर खुदा ने जॉब भी थी तो 1 माह हो गया था, तो यहाँ की मैंने 2 दफा दुआ की और खुदावन का शुक्र है उनको अच्छी जॉब मिली। और आज मैं भाई ये देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली, ठीक है। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, वो समथिंग बहुत सीरियस थी, और अचानक ही भाई की कॉल आई और भाई को मैंने कहा भाई मेरी बेटी के लिए दुआ करी। समझे इसके सांस के बहुत कम थे, मैंने खुदा ने से नई जिंदगी दी। भैया भैया मेरी बेटी ठीक हो गया, ये जिंदगी खुदा ने मेरी बेटी को नहीं दी, भाई ने दुआ की थी। बहुत शुक्रिया। पहली बात आपने सुनी, क्या कहा बेटी ने कि इन्होंने खुद दुआ की है अपने शोहर के लिए
कि उनको जॉब मिल जाए। किसने दुआ की? खुद दुआ की। खुदा चाहता है कि आप खुद दुआ करें, वो आपकी दुआओं का जवाब देना चाहता है, वो चाहता है हर एक की दुआ का जवाब देना। ऐसा नहीं है, वो हर एक से प्यार करता है। कोई ये मत सोचे कि खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देगा, हर एक की दुआ का जवाब देगा। आमीन। और दूसरी बात, मसीह में आप सबको सलाम। अभी ना जब मैं संडे स्कूल के लिए आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार था, तो ना मैं जब घर गया हूँ अपने भाई को घर छोड़ के आया, तो ना मुझे प्लीज कह रहा था तू घर चले जा, तो काफ़ी बुखार है तू ना चर्च में आ। फिर भी मैं अंदर बैठा हूँ, तो जैसे अब प्रेयर शुरू हुई है तो मेरा सारा बुखार खत्म हो गया। अभी आप सारे देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं। उभारना चाहता हूं कि दुआ से कभी मत रुके। दुश्मन यही चाहता है कि दुआ से रुक जाए। आज काम कर ले, बाद में दुआ कर ले। आज मजबूरी है, आज तबीयत नहीं ठीक, नहीं आज ते जाना ही जाना, आज ते जाना ही जाना, आज नहीं रुक, कल भावे ना जावा लेकिन आज और जरूर जाना। तू क्यों रोकिया? कल रोक के फिर कहना है आज भी मैं जाना है, है? उन्होंने हर रोज आई कहना आज भी मैं जाना है, तो क्यों रोकिया? आमीन। इस सारा जलाल हमारे खुदा का है कि खुदावन ने बेटे से कलाम किया कि नहीं, तो यही स्टे कर, क्योंकि दाऊद कहता है कि उसके हजूर में काबिल शादमानी है। वो सेहत और तंदुरुस्ती से ना सिर्फ सेहत याब करता है बल्कि खुशी और शादमानी से भी भर देता है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं।